CoinDCX एक्सचेंज पर जब भी आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अपनी लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, सो उस समय आपको पता नहीं था बाई मिस्टेक आपने मार्जिन काफी ज्यादा यूज कर लिया और आपका जो लेवरेज है वो भी काफी अधिक है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप अपने मार्जिन को किस प्रकार से कम और ज्यादा कर सकते हैं, उसके साथ में आपका लेवरेज ऑटोमेटिक कस्टमाइज हो जाएगा और कितना आपको लेवरेज लेना ठीक रहेगा, कितना मार्जिन लेना ठीक रहेगा, चाहे वो लॉन्ग की पोजीशन हो चाहे वो शॉर्ट की पोजीशन हो। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से CoinDCX एक्सचेंज पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग की जाती है वेबसाइट को यूज करके या फिर CoinDCX ऐप को यूज करके, तो दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप CoinDCX ऐप को यूज करते हैं और स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल SIP और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, सो इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। सो जैसे ही आप अपने अकाउंट का लॉग इन कर लेते हैं CoinDCX एक्सचेंज की वेबसाइट पर कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको दिखाई देगा। उसके बाद में काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। ऊपर आपको फ्यूचर्स का ऑप्शन मिलेगा, फ्यूचर्स मार्केट का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेज दिया जाएगा जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा एंड पहले से आप इसी पेज पर होंगे। आपको यहाँ पर नीचे एक्टिव पोजीशंस में जितनी भी आपकी फिलहाल ओपन पोजीशन होंगी, चाहे वो लॉन्ग की हो चाहे फिर वो शॉर्ट की हो, वो सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी एंड हर एक पोजीशन की आपको बेसिक डिटेल भी यहीं देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि उस कॉइन का नाम क्या है, कितना आपने लेवरेज लिया है। लेवरेज का मतलब ये है कि मार्जिन में जितना भी आपको फंड दिखाई दे रहा है इस पर आपने इतना गुना जो पैसा है वो एक्सचेंज से उधार लिया है और टोटल आपने इस साइज में इतना फंड लगा रखा है। उसके बाद में आपको एक्टिव PNL दिखाई देता है, यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में ना तो ये आपका प्रॉफिट है और ना ही लॉस है, सिर्फ आपको ये दिखा रहा है कि भाई आपने जो पोजीशन ओपन की है ना इसमें इतना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। अगर आप करंट प्राइस पर बाहर आ जाते हो तो इतना प्रॉफिट और लॉस आपको होगा। एक्चुअल में आपको प्रॉफिट और लॉस तभी होगा जब आप अपनी पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में ROI आपको परसेंटेज में दिखाई देता है, एवरेज एंट्री प्राइस यानी कि आपने किस प्राइस पर एंट्री बनाई थी लॉन्ग की या शॉर्ट की। उसके बाद में है मार्केट रेट, जो भी लाइव रेट चल रहा होगा वो मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में है लिक्विडेशन प्राइस, यानी कि अगर ये प्राइस आ गया इस कॉइन का तो जितना भी मैंने मार्जिन यूज किया है, जो कि अपने वॉलेट से बेसिकली मैंने पैसे लगाए हैं, वो मेरे जीरो हो जाएंगे। उसके बाद में है TPSL, यानी कि आप अपना प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस का लगा सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वैसे मैंने पहले इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। अब समझते हैं हम मार्जिन कैसे हम अपना कम करेंगे और कैसे ज्यादा करेंगे और लेवरेज को भी किस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। मार्जिन अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पर आपको जो बैलेंस में फंड दिखाई दे रहा है ना जितना भी, इससे अधिक आप मार्जिन ऐड नहीं कर सकते। और अगर आपके पास यहाँ पर फंड है ही नहीं तो उस कंडीशन में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप मार्जिन को ऐड कर पाए। लेकिन फिर भी अगर आपको मार्जिन ऐड करना है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको क्या करना है कि USDT को बाई करना है। USDT को बाई करना बहुत आसान है। आप जैसे ही CoinDCX एक्सचेंज पर अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेते हैं, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा, ट्रेड में स्पॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में पोर्टफोलियो में आपके पास जितने भी टोकन्स होंगे और इंडियन रुपीज जितने भी होंगे वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर USDT सिंपली सर्च कर लेना है। उसके बाद में USDT INR पेयर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ बाय वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लिमिट का और मार्केट का। सो बेसिकली अगर आप लिमिट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको रेड में जो दिखाई दे रहे हैं वो सेलर्स है, ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं वो बायर्स है। सो आप खुद का प्राइस बता के भी खरीद सकते हैं कि आपको किस प्राइस पर खरीदना है। उसके बाद में क्वांटिटी यानी कि कितना USDT आपको खरीदना है, फिर बैलेंस में आपको जितना भी अमाउंट दिखाई दे रहा है, मान लो कि आपके पास 100 रुपए है और आप 100 रुपए का खरीदना चाहते हैं, तो जस्ट यहाँ टाइप कर देंगे, ऑटोमेटिक USDT का अमाउंट यहाँ पर टाइप हो जाएगा कि 100 रुपए का कितना USDT आपको मिलने वाला है अगर आप इस रेट पर खरीदेंगे उस कंडीशन में। और आपको लग रहा है कि यार फर्क ही नहीं पड़ता क्या रेट चल रहा है, तो मार्केट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, कितना USDT बाई करना चाहते हैं वो क्वांटिटी USDT में डालेंगे। तो मान लीजिए आपको 10,000 रुपए के खरीदने हैं, तो आप यहाँ पर INR वैल्यू में डाल देंगे, ऑटोमेटिक USDT में टाइप हो जाएगा। सो ये बाई करने का तरीका है। उसके बाद में ऑटोमेटिक आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जो बैलेंस है वो दिखने लगेगा। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अपना जो फंड है वो ट्रांसफर कर पाए अलग से। स्पॉट में जो रखा रहता है ना वही फंड आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग में शो होता है। जब आप इतना कुछ कर लेते हैं तो आपको जो मार्जिन में अमाउंट दिखाई दे रहा है और यहाँ पेंसिल का बटन है या फिर मार्जिन के ऊपर आप जस्ट क्लिक कर देंगे, उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, आपको मार्जिन ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है। अब आपके वॉलेट में फिलहाल जितना भी अवेलेबल फंड होगा वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा एंड नीचे आपको ना 3 ऑप्शन मिलेंगे और इनको
आपको बहुत ध्यान से समझना है। पहला ऑप्शन आपको मिलता है मार्जिन यूएसडीटी, यानी कि फिलहाल आपने करंट इस पोजीशन में जितना भी मार्जिन लगा रखा होगा वो दिखाई देगा। लिक्विडेशन प्राइस आपको दिखाई देगा, यानी कि अगर ये प्राइस आ गया तो मार्जिन आपने जितना यूज कर रखा है वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद में लेवरेज, यानी कि आपने जितना मार्जिन यूज ले रखा है उस पे इतना गुना पैसा उधार पे ले रखा है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए $100 लगे हुए हैं मेरे मार्जिन में और मैंने 5x का लेवरेज ले रखा है, सो टोटल साइज हो गई मेरी $500 की। बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए कि मैं एक्सचेंज का उधार कम करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ प्लस पर क्लिक करूंगा। जितना भी यूएसडीटी मैं ऐड करना चाहता हूँ वो मैं टाइप भी कर सकता हूँ या प्लस पर क्लिक करके बढ़ा सकता हूँ, लेकिन जितना मेरे पास वॉलेट में फंड है सिर्फ मैं उतना ही ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ प्लस किया, $4 होता ही देखिए बोल दिया कि आपके पास फंड कम है। सो मान लीजिए मैं $3 ऐड करना चाहता हूँ, मेरे पास $3 की समथिंग है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुराना मेरा मार्जिन रफली इतना है और नया इतना हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो भी फिर काफी अच्छा हो जाएगा। फिलहाल है 0.9265 के अराउंड एंड बाद में हो जाएगा $1 के अराउंड, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो लेवरेज है ना वो काफी कम हो गया, 5 गुना मैंने लेवरेज लिया था वो 2.5 गुना हो जाएगा सीधा ही, अगर मान लीजिए मैं मार्जिन ऐड करना चाहता हूँ। सो बहुत सिंपल है, ऐड पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा मेरा लेवरेज, मेरा मार्जिन, मेरा लिक्विडेशन प्राइस। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि जब भी प्राइस बहुत सडनली बढ़ेगा या घटेगा तो मुझे बहुत ही स्लो तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, क्योंकि मेरा लेवरेज कम हो गया। जो पोजीशन साइज है वो तो सेम रहेगी, लेकिन एक्सचेंज का जो पैसा है ना उधार वो कम हो गया, जिसके कारण मेरा लिक्विडेशन प्राइस भी ठीक रहेगा। एंड अगर हाई वोलेटिलिटी रहती है तो बहुत कम चांसेस रहेंगे कि मेरी जो पोजीशन है वो लिक्विडेशन तक जाए। अगेन अगर मान लीजिए कि आप कम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप किसी दूसरी पोजीशन में अपना फंड शिफ्ट करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि यार इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है लेकिन गलती से मैंने ओपन कर लिया, तो आप मार्जिन को कम करने के लिए यहाँ वापस से इस पेंसिल के बटन पर क्लिक करेंगे। अब अगर आप मार्जिन कम करना चाहते हैं ना, तो आपको यहाँ मार्जिन वाले ऑप्शन की जगह अब सेलेक्ट करना है लेवरेज वाला ऑप्शन, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं अपनी जेब से जो मार्जिन लगाया था ना वो वापस से एक्सचेंज से ले रहे हैं, और जितना भी अब आप अपने पास से लगाने वाले हैं ना उस पर उधार बढ़ाना चाहते हैं। उधार कैसे बढ़ता है? लेवरेज लेके ही तो बढ़ता है ना। आपको लेवरेज सेलेक्ट करना है। हम यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे। जैसे जैसे प्लस पर क्लिक करते जाएंगे हमारा जो लेवरेज है ना वो बढ़ता जाएगा और हमें यहाँ पर दिखाई देगा, और नीचे आपको फंड देखने के लिए मिल जाएगा कि करंट आपका जो लेवरेज है ना वो इतना है, अगर आप नया इतना करोगे ना तो हम आपके वॉलेट में इतना फंड वापस से जमा कर देंगे। लेकिन भाई ध्यान रखना कि फिर आपका लिक्विडेशन प्राइस इतना हो जाएगा। जब भी आप लेवरेज को बढ़ाते हैं ना बहुत ही केयरफुल तरीके से आप लेवरेज को बढ़ाए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यार ठीक है इट्स ओके, रिमूव पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मेरा पैसा बढ़ जाएगा, और आप देखेंगे कि मेरा जो मार्जिन है वो काफी कम हो चुका है और मेरा लेवरेज बढ़ चुका है और मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है ना वो भी काफी कम हो चुका है। सो बहुत सिंपल है, आसानी से कुछ इस प्रकार से आप अपना मार्जिन कम कर सकते हैं और अधिक कर सकते हैं, और इसी प्रकार से आप अपने लेवरेज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है मार्जिन ऑप्शन को यूज करते समय या लेवरेज ऑप्शन को यूज करते समय, सो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका फोटो भेज सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको मिल जाएंगे।